बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आया हूँ यहाँ जीएल रोड पे, आपको गाड़ी दिखाने लगा हूँ, सुजुकी कल्टस 2000 कौन सा मॉडल है, 2018 का मॉडल है, टोटल जेन्युइन पेंट में है, सिर्फ 12000 किलोमीटर चली हुई है गाड़ी, आपको दिखाता हूँ। और इसकी ये ऑटो गियर वाली है AGS सुजुकी कल्टस, टोटल जेन्युइन। तो इसकी मैं आपको डिमांड वगैरह भी बताऊँगा और गाड़ी आए आपको गाड़ी दिखाता हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जनाब ये गाड़ी है, देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है, बिल्कुल स्क्रैचलेस, कहीं पे किसी किस्म का इसके ऊपर कोई डेंट नहीं है, कोई लाइन नहीं है, टायर्स की कंडीशन इसकी बिल्कुल नहीं है। 12000 कुछ भी नहीं होता यार, 12000 किलोमीटर क्या होता है, फुल ऑप्शन वाली गाड़ी है ये, अलॉय रिम्स इसके अंदर लगे हुए हैं। उसके अलावा ये देख सकते हैं इसके अंदर ये भी फॉग लाइट्स वगैरह भी लगी हुई हैं, बम्पर की कंडीशन बिल्कुल ठीक है, नई लाइट्स हैं इसकी बिल्कुल साफ सुथरी, हैलोजन लाइट्स। इसके अलावा फ्रंट ग्रिल आप देख सकते हैं इसकी, ये नंबर है इसमें लाहौर का नंबर लगा हुआ है। आपको दूसरी साइड इसकी दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं लाइट्स वगैरह, नीचे फॉग लाइट्स वगैरह बिल्कुल ठीक हैं। ये साइड भी देख लें क्योंकि इधर गाड़ी खड़ी है तो प्रॉपर तो नहीं दिखा सकता, बाकी आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। इसकी साइड वगैरह बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं, ये छत इसकी देख लें इसकी साफ़ है बिल्कुल, एंटीना इसका उतारा हुआ ताकि टूटे ना, अंदर रखा हुआ गाड़ी को उतार के। बाकी ये देख सकते हैं इधर से ये साइड्स वगैरह की कंडीशन आपके सामने है सारी, इधर से भी सारी साफ सुथरी गाड़ी, आपको गाड़ी अंदर से भी दिखाता हूँ। तो उससे पहले ये देख सकते हैं आपको गाड़ी के बैक साइड दिखाने लगा हूँ, ये मरगाड वगैरह इसका देख लें फेंडर पीछे से, बैक साइड से देख सकते हैं VXL है, AGS लाइट्स वगैरह देख सकते हैं आपके सामने, कंडीशन है बिल्कुल नई गाड़ी है, अंदर से भी दिखा देता हूँ। तो अगर आपको ये गाड़ी पसंद है, आप ख़रीदना चाहते हैं, तो ये लाहौर मोटर्स है जेल रोड के ऊपर, यहाँ पे आके आप इनसे कॉन्टैक्ट करें, ये फ़ोन नंबर वगैरह आपको नज़र आ रहे होंगे, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप गाड़ी ख़रीद सकते हैं। आइए आपको गाड़ी अंदर से दिखा दूँ, तो ओपन कर लीजिए गाड़ी, देख सकते हैं अंदर से कंडीशन, ये देखें अंदर से गाड़ी माशाल्लाह नई है बिल्कुल, जैसे नई गाड़ी में से खुशबू आती है ना उसी तरह की इसमें से आ रही है। लाइट्स ऑन करके आपको दिखा देता हूँ, मीटर की मीटर इसका सिर्फ 12000 किलोमीटर चली हुई है ये, इसके अंदर एयर बैग्स भी आते हैं, यहाँ पर भी एक वहाँ पर भी एयर बैग होता है। उसके अलावा इसकी मेन चीज़ है कि ये ऑटो गियर वाली है, ऑटो गियर शिफ्ट इसके अंदर जाते हैं ना, ट्रिक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन, मैनुअल पर भी आप चला सकते हैं, ऑटो पर भी चला सकते हैं अपनी मर्जी से। तो बाकी इसके अंदर हैंड ब्रेक यहाँ पर, और इसकी छत वगैरह जो है यहाँ पे लाइट आती है एक सिंपल, और यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे फॉग लाइट्स के ऑप्शन है, उसके अलावा यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं। बाकी पावर विंडोज़ के ऑप्शन है यहाँ पे, डोर लॉक अनलॉक के ऑप्शन है, उसके अलावा ये मिरर्स के ऑप्शन है, रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं, इन पावर मिरर्स हैं, इनको हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा एसी वाली गाड़ी है, ये देख सकते हैं कि इसके अंदर ऑडियो यूनिट जो है जेन्युइन लगा हुआ है, टीवी इसके अंदर DVD बैंड ये सारी चीज़ें, ऑक्स लग जाती है इसके अंदर, SD कार्ड लग जाता है। उसके अलावा AC के फंक्शन आप देख लें, तो ये सारी AC कंट्रोल है, एनालॉग हैं, डिजिटल नहीं है, ये AC की हवा का थ्रो, फैन की, ये AC का बटन, और ये इसका जो है ना टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए ये हवा का। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाता है, रोशनी का हमें नज़र नहीं आ रहा होगा, यहाँ पर यह आपको मिल जाता है 12 वोल्ट की, और ये आपको पता ही होगा किस तरह यूज़ करते हैं इसको, ये देखें यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगी, इस तरह करके न्यूट्रल हो जाएगी, और अगर मैं इसको नीचे करता हूँ तो ये D में आ जाएगी ऑटोमेटिक ड्राइव पे, और अगर मैं इसको मैनुअल चलाना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ पे कर दूँगा। मैंने गियर बढ़ाने हैं, इंक्रीज़ करने हैं, जैसे कि दूसरे से मैंने तीसरे में जाना तो मैं इसको ऐसे नीचे करूँगा तो तीसरा गियर हो जाएगा, अगर मैंने दूसरे से पहले में जाना तो मैं इसको ऊपर को करूँगा तो गियर कम हो जाएंगे, तो ये सिस्टम होता है इसका। बाकी ओवरऑल गाड़ी साफ सुथरी है, तो डिमांड वगैरह मैं इसको बताता हूँ आपको, पीछे से भी दिखा दूँ गाड़ी, तो गाड़ी बैक साइड से देख लें, काफ़ी खुली है, इतनी तंग गाड़ी नहीं है, छोटी गाड़ी के हिसाब से, हैचबैक के हिसाब से काफ़ी खुली गाड़ी है, सीट्स इसकी काफ़ी बड़ी हैं साइज़ में, बाकी ABS ब्रेक्स इसके अंदर आती हैं। तो इस गाड़ी की डिमांड भी मैं पूछता हूँ यार अभी, तो ये गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं 19,25,000, ये देख सकते हैं गाड़ी,
अगर आपको ये पसंद है गाड़ी तो आप जेल रोड पे हैं लाहौर मोटर्स पे, आपको नंबर वगैरह मैंने दिखा दिए फ़ोन नंबर, तो उस पर आप कॉन्टैक्ट करके ये गाड़ी खरीद सकते हैं।